वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैं किसी भी एक जेन्युइन इन्फ्लुएंसर को, एक जेन्युइन ट्रेनर को, एक जेन्युइन एक्टर को या कोई भी एथलीट को उसको डिमीन नहीं करना चाहता। अगर आपको लगता है मैंने डिमीन किया तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ टारगेट है उन लोगों को जो फायदा उठाना चाहते हैं एंड लोगों की कमियों पे उनको ठगना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए, बिकॉज जो 17-18 साल के बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गलत तरीके में, उनको मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि टुडे वी आर गोइंग ऑल आउट। अगर आप किसी फिटनेस मॉडल से इतना ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं तो बंद कर दीजिए अपना इंस्टाग्राम। अगर आप ज्यादा ही इन्फ्लुएंस होने लग गए बॉडी बिल्डर से तो जाके बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई एक्टर को देख के आप वैसी बॉडी बना लेंगे एंड वो क्लेम करते हैं कि नेचुरली ही इनके सारे रिजल्ट्स आए हैं एंड आप में नहीं आते जबकि आप उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, तो आप उसे भी अनफॉलो कर दीजिए। एंड ये अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये वीडियो होने वाली है अवेयरनेस पे एंड ये चीज आपको समझनी होगी कि जिस इन्फ्लुएंस में आप पढ़ रहे हैं ना वो आपके लिए सही नहीं है एंड वो कभी सही नहीं हो सकता, बिकॉज यही सच्चाई है एंड लोग ये सच्चाई को छुपाते हैं क्योंकि फैक्ट है। लोग अगर बता देंगे ना कि आसानी से कैसे ये सब हो रहा है तो शायद ज्यादातर लोग मेहनत करना चाहेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष कुंद्रा। कैसे हैं आप लोग? आज का वीडियो होने वाला है अवेयरनेस वीडियो पे एंड बेसिकली अवेयरनेस से मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर मैं हमेशा से स्टैंड लेते आया हूँ एंड मैं हमेशा ये चीज को प्रमोट करते रहने की कोशिश करता हूँ अपने चैनल पे कि जितना हो सके, जितनी भी मेरी रीच हो, चाहे 100 लोगों की हो, चाहे 500 लोगों की हो, लेकिन ये बात को मैं क्लियर कर सकूँ कि क्यों जरूरी है आपको ये बात समझना कि नेचुरल फिटनेस, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग टोटली ही एक अलग गेम है, एक अलग माइंडसेट है देन ऑल दोस फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो आपको टारगेट कर रहे हैं। अगर आपको वो टारगेट कर रहे हैं गलत तरीके से इन्फ्लुएंस होने में, या कोई भी जिम ट्रेनर जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि ये सामान लोगे तो ही तुम्हारी बॉडी बनेगी। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करने वाला हूँ एंड ये केस सुनने के बाद मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा कि 2 साल पहले भी ये चीजें होती आ रही थी एंड 2 साल बाद भी अभी तक ये चीज आ रही है एंड पता नहीं कब तक ये चीज होते आएंगी। सो बेसिकली शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक सब्सक्राइबर है जो मुझे अच्छा खासा सपोर्ट करता है, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करता है। सो एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड हो रखा है मेरा उससे और मैं उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। सो उसका मेरे को अभी हाल ही कुछ दिनों में मैसेज आया कि आयुष भाई, आज मैं जब जिम गया तो आज मुझे वहाँ पे ट्रेनर कहता कि आप इधर आओ और आप ये सारा सामान ले लो, इससे आपकी बॉडी बन जाएगी। तो पहले तो उसने उसको कहा कि मैं उस ट्रेनर को नहीं जानता था आयुष भाई, मेरे को 1 महीने ही हुआ है जिम में आते हुए। उसने से मुझे फीस ली थी, उसके बाद उसने वहाँ पे जब के मुझे बुलाया तो उसने मुझसे कहा कि ये सामान आप ले लो एंड उसने मुझे ये भी कहा कि चिंता मत करो, तुम मुझे देख लो, मैं कैसे बॉडी बना के बैठा हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि सबकी बॉडी ऐसी ही बनती है? एंड उसने मुझे ये भी कहा कि पैसे की बात बाद में, तुम तो अपने भाई लगते हो। ये सारी चीजें उसने कहीं सिर्फ अपना एक सामान बेचने के लिए, जो कि मैं आपको बता दूंगी उसने तो नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि एक काम करो भाई, आप मेरे भाई से बात करो, उसने मेरी फोटो दिखाई, इनको आप समझा दो। और उस बंदे ने मना कर दिया कॉल करने से और उसने कहा कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी, आप मत लो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज है क्या। ज्यादातर लोग जो है, जितने भी ज्यादा लोग आप फॉलो करते रहते हैं, आप ज्यादातर बॉडी को देख के फैसिनेट होते हैं, लोगों की मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर लोग बहुत जेन्युइनली मेहनत करके एक मुकाम तक पहुंच पाते हैं जिसपे पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन वो जो मेहनत होती है ना, वो आप किसी की भी तभी जान सकते हैं जब आप उस बंदे को पर्सनली मिले, उससे बातचीत रखें, या फिर आपने कहीं ना कहीं उस बंदे की जर्नी देखी हो। अगर आपने किसी बंदे की जर्नी नहीं देखी, आप एक बंदे को नहीं जानते, तो आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि कोई एक बंदा आपको एक ऐसी चीज देगा, एक ऐसी जादुई चीज देगा जिससे आपकी बॉडी बन जाएगी उससे बेहतर? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। लोगों को समझना होगा कि लोग जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होते जाते हैं सोशल मीडिया के चक्कर में, उतनी जल्दी उनको चाहिए शॉर्टकट हर एक चीज में, जो कि बहुत ही ज्यादा दिक्कत बात होती है। लेकिन ये वीडियो अवेयरनेस के लिए सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे लोग ऐसे कर रहे हैं, ये अवेयरनेस जरूरी है आपके लिए। आप ऐसे लोगों के बीच में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो कि आपका फायदा उठाना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम क्या आपको नहीं लगता आप अपने आप को इतना ज्यादा गलेबल रख रहे हैं कि आप उनकी बातों में इतनी आसानी से आराम से आ जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि वो लोग आपका फायदा उठाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते? ये सवाल मैं सबसे कहना चाहूंगा बिकॉज मैं जेन्युइनली आप सबको यही बात बताना चाहूंगा कि नेचुरल फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग नेचुरली सब हो सकता है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि जो आपके बॉडी बिल्डर्स होते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल एथलीट्स हो, चाहे वो नेशनल एथलीट्स हो, अगर आप सोच रहे हैं कि वैसी बॉडी आप 5 साल जिम करेंगे, अच्छे से डाइट एंड सप्लीमेंट लेंगे तो एग्जैक्ट वैसी ही रेप्लिका बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर किसी के जेनेटिक्स अलग होते हैं, आपके अलग होते हैं, मेरे अलग होते हैं, लेकिन किसी के अच्छे जेनेटिक्स भी हो तो भी मेहनत करना इक्वली ही ज्यादा जरूरी होता है। आपको समझना होगा कि ये जो सारी चीजें जो आपको दिखाई जाती है, आपको कहा जाता है, वो बस इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जितने ज्यादा उत्सुक लोग होते हैं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल बनाते हैं। मैं इतने सालों से जिम करते आ रहा हूँ एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी बॉडी किसी भी एथलीट के जैसे नहीं बनी। क्यों नहीं बनी उसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि मेरी मेहनत कम थी या फिर शायद मेरे को ज्ञान कम था। हो सकता है कि मैंने उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करी, लेकिन मैंने मेहनत करी है। एंड अगर एक कछुआ भी ज्यादा समय तक चलता रहता है तो वो रेस जीत जाता है। एग्जैक्टली सिमिलरली मैंने भी अपनी मेहनत करके अपनी बॉडी के अंदर काफी चेंजेस नोटिस करे हैं जो कि सब नेचुरली आए हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि कल को मैं किसी एक कॉम्पिटिशन एथलीट वाले के साथ में खड़े हो जाऊं, एक इनांस एथलीट के साथ में खड़े हो जाऊंगा तो मैं शायद उसको हरा दूं स्टेज में, तो नहीं, ये बिल्कुल ही झूठ होगा। जब लोग सामान लेते हैं चाहे वो एनाबॉलिक्स हो, स्टेरॉइड्स हो या कोई भी चीज हो, वो इसलिए ही ली जाती है बिकॉज वो आपको एक ऐसे मुकाम पे लेके जाता है जहाँ पे शायद नेचुरली पॉसिबल नहीं होता। बट सवाल ये है एट व्हाट कॉस्ट। आपको इतने सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिनके बारे में आपको कभी नहीं बताया जाएगा। आपको सिंपली बोला जाएगा अरे कुछ नहीं होता यार, तुम ले लो, कुछ नहीं होता, हम भी तो है ना। लेकिन नहीं, वो ये चीज छुपा रहे हैं एंड छुपाते इसलिए क्योंकि उन्हें पता है अगर ये चीज उन्होंने आपको बता दी तो कोई बंदा लेगा ही नहीं ना यार। अगर तुम मुझसे कोई एक सामान लेने आओगे, मैं एक दुकानदार हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगी यार इसकी एक्सपायरी हो गई या फिर यार इसको लेने के चक्कर में एक बंदे की तबियत ऐसे खराब हो गई थी, तो क्या तुम कभी भी वो सामान लेने के लिए करोगे कोशिश? नहीं। क्यों लोगे तुम ऐसा सामान जो तुम्हें पता है कि ये तुम्हें नुकसान देगा? और यही वजह है इसलिए लोग ये सारी जो चीजें है ना इसको छुपाते हैं। इतने सारे साइड इफेक्ट्स, आप एक बार गूगल करके देख लेना, आपको पता चलेगा। इतने सारे यूट्यूब वीडियोस हैं जहाँ पे लोगों ने अपनी कहानी बताई है कि कैसे उनको बेवकूफ बनाया गया है, कैसे उनको इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स हुए, चाहे वो उनकी हार्ट रेट का बहुत ज्यादा बढ़ना हो, किडनी की दिक्कत हो, लिवर की दिक्कत हो, ऑर्गन का साइज बढ़ना हो या फिर गाइनो का इश्यू हो। इतने सारे इश्यूज जो है ये सारे आपको छुपाए जाते हैं सिर्फ एक एक लालच देके कि आपकी बॉडी जल्दी बन जाएगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ऐसी बॉडी बनाने में इंटरेस्ट है जो कि आपको जीने में आगे आपके 10 साल या 15 साल या 20 साल कम कर दे एंड एट द सेम टाइम जब आप एक साल बाद उसे छोड़े तो आपको एहसास हो कि यार मेरी बॉडी में इतनी ज्यादा दिक्कतें होने लग गई हैं कि मैं उससे सही नहीं कर पा रहा। दूसरा जो कारण रहता है ना वो रहता है डर। लोगों को क्या लगता है ना कि अगर मैंने इस बात का खुलासा कर दिया कि मैंने ये चीज ली थी और आज की डेट में अगर मैं किसी दुविधा से गुजर रहा हूँ या मेरे को कोई चीज हो रही है जिसकी वजह से मैं सही नहीं कर पा रहा उसे, तो अगर मैं बता दूंगा लोगों को तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। एंड ये सच्चाई है कि लोग दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते अगर उन्हें लगता है कि हाँ उन्हें मौका मिल गया। लोग क्या है ना अपनी सच्चाई छुपा के चलते हैं। इसी चक्कर में ये सारी बातें जो है इतनी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, इतनी डिस्क्रीटली की जाती है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि इसने लगाया नहीं लगाया अनलेस एंड अनटिल उनका खुद आपको बता दे, क्योंकि लोग तो वैसे भी जज करेंगे। लेकिन उस डर के चक्कर में क्या होता है कि अगर किसी का वाकई में नुकसान हुआ ना तो कोई बताना नहीं चाहता कि यार मेरे तो नुकसान हो गया, मेरे से ये गलती हो गई। आप अगर कहीं एक जगह पे पैसे लगाएंगे और आपके पैसे अगर डूब गए, आप अपने आप से पूछो क्या आप अपने सब घर वालों को बताते हो क्या मैंने उधर पैसे लगाए थे मेरे पैसे डूब गए? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि घर वाले आपको डांटेंगे, चाहे वो डांट बिल्कुल सही हो, लेकिन आप नहीं बताएंगे। आपने रिस्क लिया, आपको रिस्क नहीं किया, पुल ऑफ किया, अलग बात है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप वो चीज अक्सर बताएंगे नहीं, रिवील नहीं करेंगे अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहती। एंड कुछ ऐसा ही होता है कि जितने ज्यादा लोग स्टेरॉइड और सबके यूजेज में आ जाते हैं, ये लगाने के बाद जब कुछ टाइम तक अच्छा दिखता है, फोटोशूट सब होता है, लेकिन जब उसके बाद इफेक्ट आने लगते हैं, साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं, तो उसके चक्कर में वो कभी इस बात को रिवील ही नहीं करते, जिसके चक्कर में जो बाकी लोग हैं जिन्होंने उसको इन जाल में फंसाया वो लोग और ज्यादा फंसा पाते हैं लोगों को ये दिखा के कि देखो इसने भी यूज किया, इसने तो कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि लोग अपनी गलती बताते ही नहीं अपने डर के कारण। तीसरी चीज है लैक ऑफ नॉलेज। ज्ञान जो है ना दुनिया में इतना ज्यादा भरपूर भरा हुआ है ना, लेकिन लोगों को क्या है, लोगों को चाहिए कि हाथों हाथ परोसा हुआ ही चाहिए। एंड जब आप इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी एक बंदे पे या किसी भी एक सोर्स पे, तो आपको इस चीज का एहसास नहीं होता, लेकिन आप उतने ही ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं कि आपके साथ कुछ गलत किया जा सकता है। कोई भी चीज आप लें, कोई भी मार्केट से आप कुछ भी लेते हो, आप कुछ भी खरीदना चाहते हो, आप एक बार उस पर रिसर्च तो करते हैं ना कि यार ये चीज सही तो है या नहीं। क्यों? जब भी कोई प्रोडक्ट आता है तो उसके ऊपर फेडरेशन अपना अप्रूवल देती है, क्योंकि रिसर्च करना जरूरी होता है। तो सिमिलरली अगर आप कोई भी ऐसी चीज लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं रिसर्च करते कि वाकई में इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे? दुनिया में हर एक चीज का फायदा होता है, हर एक चीज का नुकसान होता है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे कुछ लोगों को फायदा होगा, मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो कुछ लोगों का नुकसान भी होगा, लेकिन इस वीडियो से दोनों ही चीजें होंगी। सिमिलरली जब आप कुछ भी चीज लेते हैं तो उसका फायदा नुकसान दोनों ही चीजें होती है, लेकिन ये आपको समझना है कि आप सिर्फ फायदे देख के आंख बंद करके सिर्फ उसी के पीछे भागेंगे या फिर आप वाकई में रिसर्च करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ये जो चीज है इसका नुकसान ज्यादा है या इसका फायदा। ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बॉडी बना क्यों रहे हो। मैंने जब बॉडी बनाना शुरू किया था तो मेरा गोल बस ये था कि मुझे अच्छी फिजिक चाहिए, मुझे एक अच्छा महसूस करना है, एक अच्छी फीलिंग चाहिए अपने आप को कि मैं शीशे में जब अपने आप को देखूं तो मुझे अच्छा लगे। लेकिन मैंने ये चीज जब करनी चाहिए तो इवेंचुअली मेरी बॉडी ने मेरे को सपोर्ट दिया, मेरी मेहनत ने मेरा साथ दिया एंड ऑब्वियसली आपकी मेहनत भी आपका साथ देगी। मैं आपको ये चीज लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप 1-2 साल शिद्दत से मेहनत करके डेली वर्कआउट करें, मैं आपसे ये नहीं कह रहा आपको 4 घंटे वर्कआउट करना है, आपको 5 घंटे वर्कआउट करना है, आपको दिन में सिर्फ 1 घंटा वर्कआउट करना है अपने लिए, अपनी थोड़ी डाइट को मैनिपुलेट करना है, मॉडरेट करना है, तो आपको 2 साल के विदिन, 1 साल के विदिन इतने अच्छे चेंजेस मिलेंगे अपनी बॉडी में कि आपको शायद कभी जरूरत लगेगी ही नहीं। वापस जब आप शीशे के आगे जाएं एंड आप सोचे कि यार मेरी बॉडी में जो चेंज आए वो अच्छे हैं या नहीं, आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और चीज को लेने की, क्योंकि आपको इतने अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड जब आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी आपको एहसास होगा कि वाकई में शायद बाकी सारे जो लोग पड़ जाते हैं गलत चीजों में उनकी कोई नीड ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप उस प्रोफेशन में ही घुसना चाहते हैं। आप जितने भी इंस्टाग्राम मॉडल्स इन सबको जो देखते हैं इन सबके अपने अपने गोल्स हैं, अपने अपने तरीके हैं ऑफ अप्रोचिंग थिंग्स एंड उनकी तरफ से वो सही है, वो चाहते हैं कि वो अपना बेस्ट चीज दिखाए आपको। लेकिन जो बंदा अपनी बेस्ट चीज दिखाएगा जरूरी नहीं है वो आपको अपनी वर्स्ट चीज भी दिखाए। एंड मैं चाहता हूँ आप इस बात को नोट कर लें क्योंकि लोग अपनी कमियां कभी नहीं बताते, मैंने आपको पहले भी बताया। तो जो चीज आप जो पोस्ट देख के आप इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उस पोस्ट को आप पॉजिटिव वे में ले, लेकिन उसके चक्कर में आप किसी की नेगेटिव इन्फ्लुएंस में ना आए जो कि वेट कर रहा है आपके उसके अंडर आने। तो इस वीडियो के साथ मेरा एक मैसेज चाहता था मैं देना जो मैं सबको चाहता हूँ, मेरे सारे भाइयों को कि अगर आपको लगता है कि ऐसे आपको कोई इन्फ्लुएंस करता है कि ये सप्लीमेंट ले लो या ये चीज ले लो, अरे ये माल से हो जाएगा, तो प्लीज आप एक बार के लिए उनको मना कीजिए। आप एक बार मेहनत करके देखिए, आप अच्छे से कोशिश कीजिए, आप और जानिए, मेरे थ्रू नहीं तो आप और भी बड़े बड़े लोग हैं जिनसे जब आप मिलेंगे उनसे आप उनका ज्ञान लेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में शायद इनकी जरूरत नहीं होती अगर आपको अपनी बॉडी अच्छी बनानी है। तो अगर आपका भी ऐसा ही कुछ गोल है तो प्लीज एक बार ही सतर्क रहें, थोड़ा सा लोगों से बच के रहें, बिकॉज लोग सारे अच्छे नहीं होते दुनिया में, कुछ होते हैं अच्छे, कुछ होते हैं बुरे, लेकिन सारे अच्छे नहीं होते, पॉइंट यही है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है एंड इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करना चाहूंगा। आई नो आज मैं थोड़ा टोन में वैसा था, थोड़ा लाउड, लेकिन मतलब ये चीज मुझे काफी ज्यादा इफेक्ट कर रही थी एंड इसलिए मेरे को लगा कि मुझे आज छूटती इस पे टॉपिक पे वीडियो बनानी है और मैंने बना दी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, टिल देन सी यू, अलविदा।